हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। गाइज, इस वीडियो में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। यहां से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। ये वैकेंसी परमानेंट पोस्ट के लिए है। 7 CPC पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग यहां पर एकेडमिक पेलेबल रहेगी। प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पेलेबल 14 रहेगी, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पेलेबल 13A रहेगी, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पेलेबल 10 रहेगी। इसकी नोटिफिकेशन 9 मार्च को आई है। कैंडिडेट को यहाँ पर CU चैन पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना है। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है एंड कैंडिडेट यहाँ पर 25 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट को यहाँ पर 1 मंथ का टाइम दिया गया है अप्लाई करने के लिए। तो गाइज, इस रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आप यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट में किस पोस्ट के लिए क्या सीट रहेगी, अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, इन सारी डिटेल को देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपका मिस ना हो। हेलो गाइज, मैं कविता कुसुम अपने इस YouTube चैनल कविता हेलो क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइज, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको PhD एडमिशन नोटिफिकेशन एंड टीचिंग पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अपडेट ऑल ओवर इंडिया से मिलेंगे। साथ ही एजुकेशन सब्जेक्ट से अगर आप UGC नेट, सेट या PhD एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। अगर आप अदर सब्जेक्ट से PhD एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन आप यहां से कर सकते हैं। तो गाइज, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूं तो उसकी इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मिले, आप उसे इमीडिएट देख पाएं। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। तो गाइज, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, इस रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। ये वैकेंसी आई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा से। यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे, उसमें रिक्रूटमेंट पोर्टल में, यहाँ मैंने रिक्रूटमेंट पोर्टल को ओपन किया हुआ है। देन आप इस तरह के पेज में जाएंगे, इसमें 9 मार्च की डेट में एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन आई है फॉर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। इन सब की अलग अलग नोटिफिकेशन है। फर्स्ट आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर फैकल्टी पोजिशन प्रोफेसर, इस रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ से देख सकते हैं। सेकेंड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर फैकल्टी पोजिशन एसोसिएट प्रोफेसर एंड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर फैकल्टी पोजिशन असिस्टेंट प्रोफेसर, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर फैकल्टी पोजिशन प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन दी हुई है, इन सबको मैं एक एक करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट नोटिस है एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर फैकल्टी पोजिशन प्रोफेसर, जो कि 9 मार्च की डेट में आई है। यहाँ से आप इसकी डेट शेड्यूल को देख सकते हैं। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 मार्च से स्टार्ट है एंड कैंडिडेट यहाँ पर 25 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट को CU चैन पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना है। यहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी का वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ से आप जनरल इंस्ट्रक्शन को रीड कर सकते हैं। गाइज, अप्लाई करने से पहले इसकी फुल डिटेल को जरूर रीड कर लेंगे। यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, किस डिपार्टमेंट में क्या सीट रहेगी, इसकी डिटेल को देखते हैं। आपकी कैटेगरीज वाइज दी गई है, ये UR के लिए है, SC, ST, OBC, EWS एंड ये टोटल सीट है। फर्स्ट डिपार्टमेंट है इंग्लिश, इसमें टोटल 1 सीट की वैकेंसी है। उड़िया में 1 सीट की वैकेंसी है, सोशोलॉजी में 1 सीट की वैकेंसी है। देन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में वैकेंसी है, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, एजुकेशन, हिंदी, स्टैटिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, टोटल यहाँ पर 12 डिपार्टमेंट में वैकेंसी है एंड 12 सीट है, तो 1-1 सीट सब में है। अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए ये आप यहाँ देख सकते हैं। ये आपका डिपार्टमेंट वाइज स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है। एप्लीकेशन फीस 1000 रुपीज है फॉर UR, OBC एंड EWS कैटेगरी। SC, ST, PWD एंड ओमेन कैंडिडेट एप्लीकेशन फीस से एग्जेम्प्टेड रहेंगे। अप्लाई करने में कोई टेक्निकल इशू आती है तो आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर फैकल्टी पोजिशन एसोसिएट प्रोफेसर, इसकी डेट शेड्यूल सेम है। एसोसिएट प्रोफेसर में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी है एंड ये किस कैटेगरी में क्या सीट रहेगी, इसकी डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट डिपार्टमेंट है आपका इंग्लिश, जिसमें टोटल 1 सीट की वैकेंसी है। उड़िया में 1 सीट की वैकेंसी है, सोशोलॉजी में 1 सीट की वैकेंसी है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 1 सीट की वैकेंसी है, एंथ्रोपोलॉजी में 2 सीट की वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स में 2 सीट की वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में 1 सीट है, एजुकेशन में 1 सीट है, हिंदी में 1 सीट है, संस्कृत में 2 सीट है, स्टैटिक्स में 1 सीट है, बिजनेस मैनेजमेंट में 1 सीट है, कंप्यूटर साइंस में 1 सीट है। इस तरह से टोटल यहाँ पर 14 डिपार्टमेंट में वैकेंसी है एंड 16 सीट अवेलेबल है। ये किस कैटेगरी में कितनी सीट है ये डिटेल आप देख लेंगे। देन एसोसिएट प्रोफेसर में अप्लाई करने के लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए ये डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। ये आपका डिसिप्लिन वाइज स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है, तो जिस डिसिप्लिन से अप्लाई करेंगे उसकी स्पेशलाइजेशन को देख लेंगे। यहाँ आपका जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन सेम है।
देन एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर फैकल्टी पोजिशन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इसमें अप्लाई करने के लिए यहाँ पर डेट शेड्यूल सेम है, 26 मार्च to 25 अप्रैल तक कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट दिया हुआ है, ये सारी डिटेल सेम है। एप्लीकेशन फीस, अप्लाइंग प्रोसेस, ये सारी डिटेल सेम है। असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, ये डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट डिपार्टमेंट है आपका एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें 1 सीट की वैकेंसी है। इकोनॉमिक्स में 1 सीट अवेलेबल है। बिजनेस मैनेजमेंट में 4 सीट की वैकेंसी है। तो टोटल यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट में सीट की वैकेंसी है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। देन असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, ये सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट के लिए है। मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स इन कंसर्न रिलेवेंट एलाइड सब्जेक्ट फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी या एन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एन एक्रेडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी। बिसाइड फुलफिलिंग अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर नेट कंडक्टेड बाय UGC या CSIR या हु हैव अवॉर्डेड PhD डिग्री। तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई करने के लिए मास्टर डिग्री प्लस नेट या मास्टर डिग्री प्लस PhD होना चाहिए। देन यहाँ बी ऑप्शन भी है, इसकी डिटेल भी देख सकते हैं। देन असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिसिप्लिन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, इसमें अप्लाई करने के लिए क्या इसेंशियल है, ये दिया हुआ है। बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एंड मास्टर डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट, PGDM, CA, ICWA, MCOM विथ फर्स्ट क्लास या इक्विवेलेंट एंड 2 ईयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आफ्टर एक्वायरिंग द मास्टर डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट। देन यहाँ पर आप डिसिप्लिन वाइज स्पेशलाइजेशन देख सकते हैं, अदर डिटेल यहाँ पर सेम है। ओके गाइज, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।